कौन है आप वैसे? नहीं सर, हमारा नाम, जी सर, मेरा नाम सबत खालिदी है मेरा और नाम समीत है और हम टीम एनवायरनमेंट एंड नेचर झांसी के संस्थापक और सह संस्थापक जी हैं। सर अभी मैं बीएड कर रहा हूँ सर, ये अभी फाइन आर्ट्स फाइन कर आर्ट्स रहे कर हैं। रहे और सर अभी तक हैं। हमने झांसी में 300 से ज्यादा वृक्ष लगाए हैं, 50 से ज्यादा घरों में फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, गौरैया संरक्षण के लिए घोंसले भी बांटे हैं। और इसी तरीके से अभी हम आपके भी सर स्कूल विजिट करके आए थे स्वामी विवेकानंद, और दूसरे बहुत स्कूल भी बिल्कुल विजिट करे और बच्चों के बीच जो वार्तालाप करी, उन्हें सिखाया बताया पर्यावरण के प्रति जानकारी दी। बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत खुशी होती है जब पर्यावरण के लिए हम अपना योगदान देते हैं। नहीं, तो क्योंकि आइए अब हम जी सर जी सर ये जी हमारे जीवन का आधार है पर्यावरण, है ना। बिल्कुल सर अगर बिल्कुल पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, तो हमारा जीवन और हमारा बिल्कुल स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, है ना। तो निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ने में आसानी होगी। कोई फील्ड ऐसी नहीं है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमारे पास अकूत ज्ञान का भंडार ना हो। ज्ञान भरा पड़ा है हमारे शास्त्रों में, उन पर विश्वास करना, उनका अध्ययन करना, शिद्दत के साथ में सोचना कि क्या हमारे ऋषि मुनियों ने जो सोचा था वो हो भी सकता है। सब हो रहा है, बस हम नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे लोग कर पा रहे हैं। हमें विश्वास क्या करने बात की जरूरत थी। अभी कोरोना काल ने हम लोगों को सिखाया है इस बात को। अभी कुछ दिनों पहले कुछ चिकित्सा पद्धतियों में विवाद हो गया है, कि हम आपको बताना चाहेंगे। और हम चाह रहे थे कि कोरोना के पहले हम आपके पास आएं और आपको अपना प्रोजेक्ट बताएं। जैसे कि सर हमने ये इको ब्रिक, हम सर आपके ये स्कूल भी लेके गए थे इको ब्रिक की किस तरीके से बनता है, बच्चों को बताएं और सिखाएं। और हमें खुशी है कि झांसी में पहली बार हमारी टीम ने इसे लॉन्च करा और बताया कि इको ब्रिक होता क्या है, ताकि इसका महत्व बहुत पता अच्छी चले लोगों को। सर इसको ये आप बहुत अच्छी चीज है, जैसे एक जैसे कचड़े का डिब्बा मान लीजिए। जी सर, जी इस जी बोतल को अगर आप सब इस एक कचड़े का बताइए डिब्बा बताइए। समझिए, और जो भी रैपर्स आप खाते हैं, बिस्किट है, टॉफी है, चिप्स है, जो भी रैपर्स निकलते हैं जो रिसाइकलेबल नहीं होते हैं, तो उसको धोकर आप इस बोतल में भरते जाइए और तब तक भरिए जब तक ये बोतल ठोस ना हो जाए, मजबूत कर रही ना हो जाए। और जब ये बोतल ठोस हो जाती है एक बार, तो हम इसको ढक्कन बंद कर कर और इसका उपयोग बिल्डिंग्स या पार्क में हमारे कुर्सियाँ, बाउंड्रीज, कुछ भी बनाने में हम उपयोग कर सकते हैं। और ये इसके बहुत से फायदे भी हैं सर, जैसे कि अगर इससे बिल्डिंग बनेगी तो वो जो अर्थक्वेक आता है तो 9 रेक्टर स्केल तक का वो अर्थक्वेक झेल सकती है, क्योंकि बिल्डिंग ईंटों से बनी नहीं है, इसलिए जो उसमें रहते हैं बिल्डिंग्स में, तो उन्हें कोई खतरा नहीं है कि हमें उससे कोई खतरा हो भाई किसी भी तरह का। एक वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ सर, कैलकाटा और दूसरी साइड साउथ इंडिया साइड, इससे सर सड़कें बनना भी चालू हो गई हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है कि कंक्रीट से ज़्यादा मजबूत इसकी ऐसे यूज़ करके बन रही हैं रोड। स्लिपरी होती है तो पानी रुकता नहीं है सर सड़कों पर, और सीधा ढाल से वो ड्रेनेज सिस्टम में चला जाता है। बारिश के टाइम गड्ढे भी नहीं होते हैं सड़क पर और बहुत स्मूथ और सही सड़कें बन रही हैं सर। तो सर हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स लोग बिल्डिंग बनाने में होगी कि नहीं होगी, लेकिन जैसे हम लोग वृक्षारोपण करते हैं उसके चारों तरफ इन बॉटल्स को हम लोग खड़ा कर दें अगर, तो जैसे थाला बनाना कहते हैं ना, कर्व स्टोन वगैरह लगा के उसकी तरफ एक गोलाई बनाते हैं, उसमें इसको हम लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक होशियारी रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि इसमें नमी ना हो, सूखे रैपर्स इसके अंदर डाले जाए। अगर उसके साथ में पानी होगा इसमें, तो वो कभी ना कभी पानी स्मेल देगा, सड़ेगा, उसमें कीड़े मकोड़े पैदा हो सकते हैं। तो बॉटल ड्राई हो।